हाय फ्रेंड्स मोना की रसोई में आप सभी का स्वागत है ये मसाला एक दो नहीं पूरे पचास सब्जी का ग्रेवी बना के तैयार करने वाला है एक बार बना लीजिए महीनों स्टोर करके रखिए बहुत टेस्टी बनता है तो चलिए दिखाती हूँ क्या क्या मैं मसाला डाली हूँ सभी मसाले पंसारी की दुकान पे मिल जाते हैं आस आसानी से तो ये है बीस ग्राम धनिया खड़ा बीस ग्राम छोटी इलायची ये बीस ग्राम चकरी है ये बीस ग्राम दालचीनी ये बीस ग्राम सा जीरा है ये बीस ग्राम जीरा है ये बड़ी इलायची है बीस ग्राम ये बीस ग्राम जावित्री है ये बीस ग्राम लौंग है ये बीस ग्राम गोल मरीच इसको बोलते हैं ब्लैक पेपर है और तेज पत्ता है आइए दो हरे है इसको हरे बोलते हैं इसको हम कूट लेंगे ऐसे ही बनाए बहुत टेस्टी आपका सब्जी बनेगा सबको हम एक जगह डाल लूंगी छोटा छोटा टुकड़ा करके अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें, या कमेंट में लिखे कि कैसी रेसिपी है सबको हम डाल के इसको हम दो से तीन बार अच्छे से पीस लेंगे मिक्सर ग्राइंडर में ये पाउडर फॉर्म में हो जाएगा तो इसको एक जार में रख दे महीनों के लिए छुट्टी हो जाता है और कोई भी मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको ये डाल दीजिए सभी सब्जी एकदम मस्त बन के तैयार होगा इसको हम अच्छे से कूट लेंगे हरे को ताकि पीसने में आसानी से पिस जाए सभी को हम पीस रही हूँ इसको पीस के हम दिखाऊंगी आप लोगों को कि कितना बढ़िया पाउडर बन गया है इतनी अच्छी खुशबू आती है कि क्या बताएं सब्जी जब बनाएंगे तो घर पूरा महक उठता है मैं तो बनाती हूँ तो सब पूछने लगते हैं कौन सा मसाला आप डालती हैं यही मसाला है जो कि मैं डालती हूँ अपनी सब्जी में ये देखिए इसको एक बर्तन में निकाल के और एक जार में मैं कर लूँगी दिखा रही हूँ देखिए कितना परफेक्ट बन के तैयार है कोई भी सब्जी में सब्जी के मुताबिक बॉडर ज़्यादा सब्जी है तो दो चम्मच कम सब्जी है तो एक चम्मच डालिए लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दीजिए प्याज डाल दीजिए सब्जी बन के तैयार है मसाला बस यही डालिए चिकन मटन नॉन कुछ भी आप बना सकते हैं अब इसको हम एक जगह स्टोर करके खास करके कोई भी चीज़ मसाला वसाला शीशे के जार में रखिए तो ज़्यादा बेटर होता है ऐसे आप प्लास्टिक में भी रख सकते हैं ऐसे ही मैं मसाला बना के स्टोर करके रख लेती हूँ एक दिन बना लो और महीना दिन छुट्टी हो जाता है ऐसे ही आप लोग भी बनाइए एंजॉय करिए थैंक यू सो मच